धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अभी आप सबको बाइबल में से पवित्र आत्मा के आगमन के बारे में बताया जाएगा। ईसा कहते हैं, मैंने प्रारंभ से ही तुम लोगों से यह नहीं कहा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। अब मैं उसके पास जा रहा हूँ जिसने मुझे भेजा, और तुम लोगों में कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि आप कहाँ जा रहे हो। मैंने तुमसे यह कहा है इसलिए तुम्हारे हृदय शोक से भर गए हैं। फिर भी मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, तुम्हारा कल्याण इसी में है कि मैं चला जाऊँ। ईसा कहते हैं, यदि मैं नहीं जाऊँगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, यदि मैं जाऊँगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। जब वह आएगा तो पाप, धार्मिकता और दंडाज्ञ के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा। पाप के विषय में, क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते। धार्मिकता के विषय में, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ और तुम मुझे नहीं देखोगे। दंडाज्ञ के विषय में, क्योंकि इस संसार का नायक दोषी ठहराया जा चुका है। मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। ईसा कहते हैं, तुम मुझे फिर देखोगे, थोड़े ही समय बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। इस पर उनके कुछ शिष्यों ने आपस में यह कहा, वे हमसे यह क्या कहते हैं, थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद तुम मुझे देखोगे। और क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, इसलिए वे कहते थे, वे जो थोड़ा समय कहते हैं इसका अर्थ क्या है, हम उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। ईसा ने यह जानकर कि वे मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं उनसे कहा, तुम आपस में मेरे इस कथन के अर्थ पर विचार विमर्श कर रहे हो कि थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम रोओगे और विलाप करोगे परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। प्रसव निकट आने पर स्त्री को दुख होता है क्योंकि उसका समय आ गया है, किंतु बालक को जन्म देने के बाद वह अपनी वेदना भूल जाती है, क्योंकि उसे आनंद मिलता है कि संसार में एक मनुष्य का जन्म हुआ है। इसी तरह तुम लोग अभी दुखी हो, किंतु मैं तुम्हें फिर दिखूंगा और तुम आनंद मनाओगे। तुमसे तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं सकेगा। उस दिन तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। अब तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा है, मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।